CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। वाइन बिक्री के खिलाफ अन्ना हजारे 14 फरवरी से रालेगण सिद्धि में आघाड़ी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेटर लिखकर बताई आंदोलन की तारीख। अगर 14 फरवरी तक वाइन का निर्णय पीछे नहीं लिया गया तो रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी एक निर्णय लिया, सुपरमार्केट और किराना दुकान में वाइन बिक्री के लिए परमिशन देना, तो ये तो बहुत घातक है, बहुत खतरा है। दुकान में अगर वाइन आ गई तो छोटे छोटे बच्चे ये भी वाइन का टेस्ट ले लेंगे, आदत लग जाएंगी और वो व्यसनाधीन हो जाएंगे। ये हमारी संपत्ति है, छोटे बच्चे हैं, युवक, ये हमारी संपत्ति है देश की। हमारा तो आशा स्थान है कि हमारी सोच है युवक ही इस देश को खड़ा करेगा। और ये वाइन अगर ऐसे दुकान में आ गई तो क्या होगा, इसलिए मैंने सरकार को लेटर लिखा। पहले लेटर लिखा 3 फरवरी को कि ये निर्णय घातक है, ये गलत निर्णय है कि शराब का वाइन का दुकान में बिक्री करना। उसका जवाब नहीं आया, फिर उसका स्मरण पत्र मैं दे दिया, उसका भी जवाब नहीं आया। इसलिए मैंने आज डेट निश्चित किया 14 फरवरी। 14 फरवरी को मैं अपने गांव रालेगंज सिद्धि में, जहां मैं रहता हूं मंदिर में, उस मंदिर में ही मेरा अनशन शुरू हो जाएगा। 14 फरवरी सवेरे 11 बजे मैं अनशन शुरू है। अभी ये मेरा आज तक का समाज देश के लिए 22 बार मेरा अनशन हो गया, लेकिन ये मेरा आखिरी अनशन होगा ऐसा मुझे लगता है। ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, राज्य की संस्कृति, ये बहुत श्रेष्ठ संस्कृति है। ये दुकान में वाइन आने से ये श्रेष्ठ हमारी संस्कृति है ना, ये बर्बाद हो जाएगी, चंगलवादी संस्कृति आ जाएगी, चंगलवादी। और चंगलवादी संस्कृति अगर हमारे राज्य में आ गई